मैं ये बोलना चाहता हूँ, यदि कोई आपको ऐसा बोले ना मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, तो उसका साथ छोड़ देना। कारण क्या, उसने जीवन में कभी ट्राई ही नहीं किया। क्योंकि जो ट्राई करेगा वो फेल होगा। जो अपने कंफर्ट जोन को जिसने कभी छोड़ा ही नहीं वो फेल कैसे होगा। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक एरोप्लेन कहां सेफ है? हवाई जहाज आसमान में सेफ है कि जमीन में सेफ है? जमीन में सेफ है। पानी का जहाज पानी में सेफ है कि किनारे पे सेफ है? लेकिन क्या उनकी वहां इज्जत है? एरोप्लेन की इज्जत तब है जब वो आसमान का सीना चीरे, और पानी के जहाज की इज्जत तब है जब वो लहरों का सीना चीरे। तो यदि आप सेफ जोन की तलाश कर रहे हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी मेरे दोस्त। आगे बढ़ो, ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करो कि उसने आपको इस काबिल समझा कि उसने आपके झोली में चैलेंजेस डाले। भाई उसने योग्य समझा तभी तो चैलेंज डाले ना, नहीं तो चैलेंज क्यों डालता आपकी झोली में। और मेरे दोस्त मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सागर इन सब से, कि आप अभी ना बहाने बनाना छोड़ दीजिए कि मैं छोटे शहर से हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, हाँ मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, मेरे माँ बाप का सपोर्ट नहीं है। पता है कोई नहीं बैठा है सब बहाने सुनने के लिए। ये आपका जीवन है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और दुनिया में कोई भी ताला है ना सागर, कोई भी ताला है दुनिया में, एक भी ताला बिना चाबी का नहीं बना। भाई वो ताला है तो बस चाबी तक आप नहीं पहुंचे, चाबी तो कहीं है। तो यदि इंग्लिश नहीं आती तो कोई सिखाने वाला है, टेक्नोलॉजी नहीं आती तो कोई सिखाने वाला है, परिवार ने साथ नहीं दिया तो अभी आप ऐसे दोस्त बना सकते हैं जो आपका साथ दे सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। उल्टा मैं बताऊं, जितनी सक्सेस स्टोरी आप बड़े उठाओगे, आपको यदि बहुत चैलेंज आए ना लाइफ में तो आपको बहुत हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े चैलेंज उतनी बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल सर, ये बात।